हावड़ा के लिए जाने वाली ट्रेन में कुछ यात्रियों द्वारा शिकायत की गई कि एक व्यक्ति हमें डरा धमका कर हमसे पैसे मांग रहा और अपने आप को पुलिस वाला बता रहा, दरोगा बता बंदी करा हुआ जी। ट्रेन में चलने वाले टीटी और आरपीएफ स्टाफ वहाँ पहुँचे। टीटी राजेश कुमार मीणा ने उससे पूछा, उसने अपने आप को उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बताया, लेकिन उसकी वर्दी पहनने का ढंग, उसके बातचीत करने के ढंग से और पैरों में पहने काले जूते की वजह से उन्होंने उसको पहचाना, पूछताछ की तो फिर उसने कबूला कि वो जयपुर से आ रहा है और उसने नकली दरोगा बना हुआ है और जो साथ में यात्री चल रहे हैं इधर उधर उन्हें डरा धमका कर वो पैसे ले रहा है। दो यात्रियों द्वारा इस संबंध में शिकायत भी की गई, उनके द्वारा उस फर्जी दरोगा द्वारा उनसे 500-500 रुपये डरा धमका कर वसूले गए। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो नकली दरोगा बना हुआ था उसका नाम अंकित शर्मा है और ये शिवपुरी जिले का मध्य प्रदेश का रहने वाला है। वास्तव में वो काम करता है, प्राइवेट रूप से टीचिंग करता है और उसके द्वारा बताया गया पूछताछ में कि वो जयपुर में एक इंटरव्यू देकर लौट रहा था। अक्सर यात्राओं में वो इस तरह के पाए।